हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? यस, मोस्ट वेलकम इन हॉटेस्ट होटल का योर ड्रीम क्लासरूम फॉर नीट एस्पिरेंट। यस, माई सेल्फ योर बॉटनी मेंटर डॉक्टर मुकेश कुमार, एंड टुडे इज अ वेरी गुड डे फॉर क्लास 12 स्टूडेंट एज वेल एज नीट एस्पिरेंट। व्हाई? बिकॉज आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने आपके एनसीईआरटी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट 6। 5-6 को हमने लेवल से पढ़ लिया था, राइट? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6, यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर। दिस यूनिट इज योर रिप्रोडक्शन। और आपके चैप्टर का, जैसा कि आपको नाम पता है, दिस इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। फाइन, सो टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर। और इस फर्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन के बारे में और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स के बारे में। इनफैक्ट लाइफ स्पैन को लोग छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, बच्चे रट्टा मार के याद कर लेंगे। बट मुझे याद नहीं होगा तो आपको कैसे मैं सोचूं कि आप याद कर सकते हो, राइट? इसलिए आइए हम समझे लाइफ स्पैन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है। लाइफ स्पैन आखिर होता क्या है? लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल, जीवन की अवधि। कोई भी जीव है, पौधा है या एनिमल है, जंतु है, उसकी बर्थ होती है। तो जो बर्थ होता है, फिर उसका नेचुरल डेथ होता है। तो बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच की जो एक अवधि होती है, वही उसका जीवन काल कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है, उसके जीवन की अवधि होती है। तो क्लास 12 स्टूडेंट, आप कैसे डिफाइन करोगे लाइफ स्पैन को? देखो, क्या डिफाइन कर सकते हैं हम? ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू बर्थ एंड नेचुरल डेथ of an organism, ठीक है? तो यही है लाइफ स्पैन। तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट बोली गई, पहला लाइफ बर्थ और दूसरा नेचुरल डेथ। ये प्राकृतिक जो मृत्यु होती है, जीवन जीने के बाद जो एजिंग के बाद मौत होती है, एक्सीडेंटल मौत नहीं हो रही है, राइट? तो इसको बोलते हैं हम लाइफ स्पैन। अब ये जीवन काल कैसी हो सकती है, राइट? आइए हम बात करें इसके ड्यूरेशन की। ये लाइफ स्पैन छोटी भी हो सकती है। छोटी का क्या मतलब? ये फ्यू डेज के लिए भी हो सकता है, हाँ, और दूसरा ये लॉन्ग भी हो सकती है, लंबी आयु हो सकती है, और ये थाउजेंड्स में भी हो सकता है। देखिए, हमने क्या देखा, किसी पौधे या जंतु की जो आयु है वो छोटी भी हो सकती है, 2 दिनों की हो, मेफ्लाई 2 वीक की हो, ड्रोसोफिला याद होगा, कुछ महीनों की हो, ये राइट की बात कर लो, वीक की बात कर लो, बहुत सालों साल, हाँ सालों साल की बात करें तो आपको याद होगा, पीपल की बात कर ले। तो इस तरीके से जो एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ आपको लगा है, ठंडे तो बहुत सारे एग्जांपल याद करा हुआ, सही है? चलो मैं आपको भी याद कर सकता हूँ, सारे एग्जांपल जो अपने एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और वो बताते हैं कि कैसे वो लाइफ स्पैन छोटी हो सकते हैं और लंबी आयु हो सकती है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं अब एग्जांपल्स जो अपने गीता एनसीईआरटी में दी गई है, राइट? So, we will talk about example given in our NCERT, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे,
एनसीईआरटी के सभी लाइन्स को हमें ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइन से वही आएंगे क्वेश्चन और 90% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आने वाले। तो मैं बात कर रहा था थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल और लाइफ स्पैन एट द रेट ऑफ एनसीईआरटी। आइए बात करें लाइफ स्पैन के कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं। मैं बात करता हूँ जो लाइफ स्पैन है एनसीईआरटी के अंतर्गत, या देखो तो दो है हमारे पास, एक प्लांट की बात करते हैं, दूसरा एनिमल्स की बात करते हैं। तो प्लांट की बात कर ले तो हमारे पास देख ले राइस है, रोज है, बनाना है, मैंगो है, बैनियन है और पीपल है। राइस की बात करें यदि हम तो ये 3 to 4 मंथ के लिए होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ रोज की बात करें 5 to 7 ईयर्स, बनाना की बात करें 25 ईयर्स, मैंगो की बात करें 200 ईयर्स, बैनियन की बात करें तो 200 से 300 ईयर्स, और पीपल की बात करें जिसकी हम पूजा करते हैं वो 3000 तक हो सकते हैं, 2000 to 300 ईयर्स। मैंने बताया था ये शॉर्ट भी हो सकते हैं और लार्जेस्ट भी हो सकते हैं। शॉर्ट आपने देखा ये मंथ में है, लार्जेस्ट पीपल का देखना आपने 2000 से 3000 ईयर तक के हो सकते हैं। नाउ अब आइए बात करते हैं तो आप कैसे याद करेंगे यहाँ पे टोटल 6 एग्जांपल्स बताए मैंने प्लांट के केस में, राइस रोज बाना मैन बैनी पीपल, राइस रोज बाना मैन बैनी पीपल, और ये एग्जांपल ही आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्लियर? अब देखो कितना आसान है याद करना, यहाँ से तीनों देखो मैंगो 2200, बनाना भी 200 to 300, और उसी से मिलता जुलता है पीपल पाइकर सिलियो का 2000 से 3000 ईयर, राइट। तो ये तीनों में एक ही जैसे लग रहे राइट, वैसे ही आपको याद है गांव में आप जाके देखते होंगे कि भाई 2 से 3 से 4 महीने का ये एनिमल प्लांट होता है खेतों में, आप देखते होते हो। बहुत आसान एग्जाम्पल, रोज जो आप देते हो या लेते हो पता किसको, लेकिन उसकी आयु यदि आप देखो तो वो कितनी है 5 to 7 ईयर की हो सकती है। चल अब ये होगी बात किसकी, प्लांट्स की। अब हम बात करते हैं एनिमल्स के अंतर्गत क्यों वो एग्जाम्पल दिए गए अपने एनसीईआरटी के अंतर्गत जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। फर्स्ट बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई 1 से 2 वीक तक जिंदा। अब एनिमल की बारी में है तो एनिमल में देखा हमने कि बटरफ्लाई की बात करें, ये बटरफ्लाई 1 से 2 वीक तक के लिए होता है। फ्रूट फ्लाई बिल्कुल सही याद रखा होगा आपने 2 वीक के, ये ड्रोसोफिला है। क्रो की बात करें तो 15 ईयर की होती है, काउ की बात करें तो 20 से 25 ईयर, हॉर्स की बात करें 25 से लेकर 30 ईयर तक, जबकि 3 A का ध्यान रख सकते हो आप एलिफेंट हॉर्स एंड एग एंड क्रोकोडाइल, ये 3 ऐसे हैं क्रोकोडाइल जो 60 ईयर्स के होते हैं, राइट। जबकि पैरट्स की बात करें तो ये 140 ईयर्स की है, और टॉर्टोइल 100 से लेकर 150 ईयर्स तक की हो सकती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास प्लांट और एनिमल के केसेस में अलग अलग लाइफ स्पेन हो गए। अब हम ये समझे कि लाइफ स्पेन का क्या रोल हो सकता है, हाँ क्या ये लाइफ स्पेन का कोई कोरिलेशन है। यस, आइए समझते हैं लाइफ स्पेन के रिस्पेक्ट में
कोरिलेशन, राइट। तो ये माना जाता है कि ये कभी आप देखो मार्केट में दो लेडीज आ रही हैं, आपको लगता है दोनों बहन है, राइट। यह लगता है कि एक माँ और एक बेटी है, जब आप उनसे पूछते हो लगता है दोनों बहन नहीं, एक माँ और बेटी है, या आपको लगता है माँ और बेटी है, पूछो नहीं ये मेरी बहन है। मीन्स टू से साइज के बेसिस पे आप एज को डिफाइन नहीं कर पा रहे रियली। एनसीईआरटी ने भी ऐसा लिखा, क्या लिखा कि लाइफ स्पेन का जो कोरिलेशन है नॉट नेसेसरीली एसोसिएटेड टू, ये किससे मुख्य रूप से एसोसिएटेड नहीं है। दो चीजें ऐसी हैं जिससे वो बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं है। आइए अब हम समझे, जैसे पहला है साइज, हाँ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्यों मतलब नहीं कि लाइफ स्पेन कैसा भी हो सकता है, राइट। सो फर्स्ट इज साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जबकि दूसरा आता है हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि साइज ऑफ में देखें, जैसे एग्जाम्पल आप खोल करके देखें आप, फॉर एग्जाम्पल आपने क्रो को देखा, ये 15 ईयर्स है, उसी के जैसा दिखता है कौन पैरेट, और ये है कितना 140 ईयर्स। क्या लगता है दिखने में तो एक जैसे हो रहे, बट उसकी पैरेट की जो एज है वो 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा है, राइट। ठीक उसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल कोट कर ले, मैंगो, अभी आपने देखा ये 200 वर्ष तक हो सकता है, जबकि आप पीपल की बात करें आपने देखा 2000 से 3000, राइट। अगेन यहाँ भी 10 टाइम्स ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही केसेस में आप देखो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी साइज तो सेम या सिमिलर है लेकिन उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, तो देखा आपने एग्जांपल से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ये भी बन सकता है कि उल्टा आप सोचो, जैसे एलिफेंट की बात हम कर रहे हैं, एलिफेंट है, हमने क्रोकोडाइल्स की बात करी, राइट, हमने हॉर्स की बात करी। अब देखो इन तीनों में इनकी साइज क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये तीनों अभी हमने देखे 60 इयर्स के हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या देखा, साइज डिफरेंट है लेकिन जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट नहीं है, सबके 60 इयर्स है, तो ये सभी सेम है। तो आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी साइज बराबर लेकिन जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है, साइज डिफरेंट लाइफ स्पैन सेम है, तो आप कोट कर सकते हो एक एग्जाम्पल। ठीक उसी तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम नहीं बता सकते कि ये लाइफ स्पैन क्या हो सकता है। चलो एक एग्जाम्पल कोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रैट, पता है 44 क्रोमोसोम्स होती है इसकी, जबकि हम अपनी बात कर ले ह्यूमन ये 46 क्रोमोसोम्स है। देखा आपने हमसे जो चूहा है मात्र 2 क्रोमोसोम कम है उसकी, लेकिन इस क्रोमोसोम के कारण आप नहीं बोल सकते कहा हमारा साइज और चूहे का साइज, राइट। हमारे घर के अंदर वो घर बना के कितने सारे घर बना के हो जाता है, राइट। तो लाइफ स्पेन की यदि हम बात करें तो आप देखो ये केवल 4 ईयर तक जिंदा रहता है, जबकि ह्यूमन की लाइफ स्पेन 60 से 100 ईयर की हो सकती है। तो अगेन आपने देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है कि ये ऑलमोस्ट सेम हो लेकिन जो लाइफ स्पेन आपने देखी ये लाइफ स्पेन बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो ये भी आप नहीं कर सकते कि क्रोमोसोम बेसिस पे सेम है तो लाइफ स्पेन भी लगभग सेम होता है, नहीं। दैट्स व्हाई जो लाइफ स्पेन है उसका कोरिलेशन ना तो क्रोमोसोम से है और ना ही साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से। तो इन दिस वे वी स्टडी कि लाइफ स्पेन क्या है, लाइफ स्पेन के अलग अलग एग्जाम्पल देखे, उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे देखे कि वो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म और नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करेगा।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फेज ऑफ लाइफ साइकिल। कंटिन्यू वी स्टडी लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन में हम देख रहे थे कि लाइफ स्पैन जो है वो क्या है, बर्थ से डिस्क्रिप्शन आने पढ़ लिया हमने। फिर हमने ये देख लिया कि किस तरीके से ये शॉर्ट भी हो सकती है और ये लॉन्ग भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस। नाउ वी स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल साइकिल। देन वी स्टडी कि भाई कौन ऑर्गेनिज्म मॉर्टल है, कौन मॉर्टल नहीं हो सकता, ये मॉर्टल कौन है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। नाउ अगली बात करते हैं कि लाइफ स्पैन की कौन कौन सी फेजेस हो सकती है, अवस्थाएं। तो वी स्टडी टुडे फेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। तो ये आप देखो तो थ्री फेजेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज, then reproductive phase and senescent phase. Good. So we have three types of phases of life span. The first phase is this is juvenile and it's called प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्शन के पहले की अवस्था है, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है। क्या मतलब, इस रिप्रोडक्शन के पहले है क्या एक्टिविटी होगी ऑर्गेनिज्म की, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही, यहां पे आप देखोगे बॉडी ग्रो करेगा एंड अटेन मैच्योरिटी। लेकिन ये मैच्योरिटी ऐसी है जो पहले की है, यहाँ पर बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मैच्योर नहीं होता। इसका मतलब ये प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है बॉडी का वो नहीं आएगा, बॉडी की रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर नहीं आएगी। राइट, नाउ रिप्रोडक्शन जो है ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है, सेकेंड स्टेज माना जाता है। यहाँ पे क्या होगा बॉडी में, आप देखोगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल की और फीमेल की वो मैच्योर हो जाएगी, जिसके कारण देखा जाएगा कि बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे और यही मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो जब आप एक फ्लावर के स्टडी को करते हो। राइट, अब आप इसको समझे किस तरीके से स्टेम के ऊपर एक लीफ होती है, लीफ के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है, फिर उससे रिप्रोडक्टिव चेंज आती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फोल्ड बन जाते हैं कैलिस कोलोराइडोशियम और गाइनोशियम, और यहाँ पेंडोशियम गाइनोशियम मैच्योर जब हो जाएगा पॉलिनेशन होगी और फिर फर्टिलाइजेशन होकर फिर न्यू प्लांट्स बनने के लिए तैयार हो जाते हैं एंड दिस इज द रिप्रोडक्टिव स्टेज। और इसके बाद का जो स्टेज है ये फर्टिलाइजेशन के बाद का है, रिप्रोडक्शन के बाद का है, कॉल्ड पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे प्रोग्रेसिव धीरे धीरे डिटेरियरेशन ऑफ बॉडी। बॉडी की धीरे धीरे क्या होती है, प्रोग्रेसिव डिटेरियरेशन होने लगता है, मेटाबॉलिज्म कोलैप्स होने लगती है, एजिंग दिखाई देने लगती है और फाइनली 9-13 हो जाता है। 9-13 में भाग जाना और 9-13 फाइनल भाग जाना, मर जाना। तो फाइनली आप देखोगे इसी के बाद तो स्टेज आती है। तो बर्थ से डेथ तक की कहानी हमने पढ़ी और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। देखो ये तो बहुत अच्छी और सिंपल स्टोरी बताई आपको फेजेस की, बट क्वेश्चन क्या आता है उसका ध्यान दें।
एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंतर्गत कि भाई कौन से प्लांट ऐसे हैं जिसमें तीनों अवस्थाएं जे आर एस बिल्कुल सही शॉर्ट में आप याद रखना जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस ये जो जे आर एस है साफ साफ क्लियर कट दिखाई देगा उसकी विजुअलिटी साफ साफ होगी और कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स हैं जहां पे बड़ा डिफिकल्ट होगा पता करना कि कौन से जुवेनाइल है रिप्रोडक्टिव है और सेनेसेंस है। आइए इसके लिए ऐसा है हमें कुछ प्लांट के बारे में समझना पड़ेगा कि कौन से प्लांट कैसे हो सकते हैं। क्लियर तो पहले ये समझे हम वी हैव यदि हम प्लांट को लाइफ उसकी जो स्पैन है उसके आधार पे डिफाइन करें तो आपने 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में 11th की भी चीजें रिवाइज होती हैं तो आप याद करो एनिमल बायर और पेरेनियल कुछ याद आया आपको बिल्कुल सही यही एनुअल बायनियल और पेरेनियल की बात मैं कर रहा हूँ। आइए उसको समझते हैं। तो जो प्लांट्स हैं ये मैंने कहा लाइफ स्पैन के बेसिस पे दो तरह के तीन तरह के जैसे एनिमल बायनियल और पेरेनियल ये किसके आधार पे बोला गया तो बोला गया इसकी जो स्पैन है लाइफ स्पैन की बात करें तो ये देखते हैं कि भाई ये वन सीजन के लिए इसी को वन ईयर भी मानते हैं इसलिए बोला एनुअल जबकि बायनियल की बात करें टू सीजन और ईयर की बात होती है लेकिन यदि सेवरल सीजन या सेवरल ईयर्स की बात हो तो क्या मानते हैं पेरेनियल्स मानते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं राइस को ले लो अभी हमने पढ़ा था वीट का एग्जाम्पल याद करें मेज का एग्जाम्पल याद करें दिस ऑल आर एनिमल जबकि रेडिश की बात करें कैरट्स की बात करें दिस आर बायनियल जबकि बैम्बू की बात करें यस और नीला कुरंसी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसकी बात करें मैंगो की बात करें लीची की बात करें क्या मुंह में पानी आ रहा है कोई बात नहीं पढ़ लो फिर जाके घर पे खाना ये सारी चीजों की हम बात करें तो वैसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि ये सभी ऐसे हैं जो कैसे हो सकते हैं पेरेनियल है मतलब ये सेवरल जो है टाइम आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है। नाउ अब हम दूसरा एस्पेक्ट लेते हैं उसको समझने की बात राइट दूसरा क्या है प्लांट्स जो है हो सकते हैं कि मोनोकार्पिक हो या हो सकते हैं कि ये पॉलीकार्पिक हो नाम कर सकते हैं मोनोकार्पिक का मतलब ये हुआ कि फ्लावर्स एंड फ्रूटिंग्स वन फ्लावर्स वन इन लाइफ पूरे जीवन में वो एक ही बार फ्लावरिंग करेंगे जबकि पॉलीकार्पिक का मतलब है फ्लावर्स रिपीटेडली ये बार बार खास इंटरवल पर एट इंटरवल एक खास इंटरवल के बाद आप देखोगे उसके अंदर फ्लावरिंग होती रहेगी एंड दिस इज कॉल्ड पॉलीकार्पिक राइट इसी पॉली मोनोकार्पिक को सेवन पेरस बोलते जबकि पॉलीकार्पिक को आइटेरो पेरस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो सकता है दूसरी टर्मिनोलॉजी आ जाए परेशान करने के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है रिगार्डिंग द बॉटन बोटेनी का नो क्वेश्चन विल लेफ्ट फ्रॉम योर बॉटनी साइड राइट नाउ अब बात ये है कि भी ये हम बात क्या सोच रहे थे क्या डिस्कस कर रहे थे जे आर एस कहाँ कहाँ साफ दिखेगा कहाँ कहाँ साफ नहीं दिखेगा तो अब बात करते हैं ये मोनोकार्पिक ये जो एनुअल ये जो मोनोकार्पिक है ये कौन हो सकते हैं आप समझे जितने भी एनिमल्स हैं
वो एक बार नापिक होंगे ढेर हो जाएंगे, तो वो लोग नापिक तो हुए राइट। दूसरा जितने भी पायनियर्स है ये सभी कहते हैं वो लोग कार्तिक है, एक ही बार नापिक हुई और ढेर हो जाएंगे। जबकि फ्यू कुछ पेरेनियल भी ऐसे हैं जो मोनोकार्पिक होते हैं। जबकि यदि हम पॉलीकार्पिक की बात करें तो केवल ओनली पेरेनियल ही होते हैं। इज इट क्लियर? केवल पेरेनियल। अब आप समझे ये मोनोकार्पिक कौन होते हैं और पॉलीकार्पिक कौन हो सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि जो JRS है, जो क्वेश्चन आ रहा है इंग्लिश में, कि वो किस प्लांट में बिल्कुल क्लियर होगा और किस प्लांट में वो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, इसकी बात समझनी है। तो आइए समझते हैं। इसको हमने समझ लिया एनुअल कौन हो सकते हैं, बायनियल कौन हो सकते हैं, पेरेनियल कौन हो सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि भाई तीनों क्लियर कट जो डिस्टिंक्शंस है वो कहां हो सकता है। आइए समझे, बात कर रहे हैं JRS। JRS जो है यहां देखें क्लियरली विजिबल, कहां पे क्लियरली विजिबल हो सकता है, तो आपको याद रखना है सभी एनिमल्स में, सभी बाइनियल्स में ये क्लियरली दिखाई देगा। ओके, जबकि ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू डिफाइन, इसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है जब आप बात करते हैं किसकी, पेरेनियल्स की। अब इस बात को रटा नहीं पाड़ना आपने ना, इसको रटा नहीं पाड़ना। किस तरीके से ये क्लियरली हम विजुलाइज हो सकते हैं, जैसे मैं बताया आपको कि यहाँ पे जो सीन है वो जनरेट करेगा सिग्नलिंग आई, फिर वो प्लांट बना फ्लावरिंग आई, और फिर ये फ्लावरिंग होने के बाद आप देखोगे तो फ्लावर यहाँ से हट गया वन फ्लावर, धीरे धीरे जो ये प्लांट्स हैं इसके अंदर ये सूखने लगेगा, डिफरेंट करेगा और तेल से नीचे जाएगा। तो क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, आपने यहाँ से ये देखो ये इसकी जिम्मेदारी फेज देखी आपने, यहाँ इसका रिप्रोडक्टिव फेज देखा आपने, और यहाँ पे आपने सेल फेज देखा। तो तीनों स्टेज बहुत साफ साफ देखा आपने। लेकिन यदि आप बात करते हो एक पेरेनियल प्लांट की, चलो बात करते हैं मैंगो की। अब मैंगो में क्या होता है इसको समझे, मैंगो में क्या होता है कि मैंगो में आप देखेंगे एक बार आपने पौधे लगा पे वृक्ष लग गए तो उस वृक्ष पे क्या होते हैं फल आते हैं, फिर दूसरे साल भी फल आता है। तो आप बताओ ये क्या हुआ, मोनोकार्पिक हुआ या पॉलीकार्पिक? बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था ये पॉलीकार्पिक है। अब आप समझे क्या हुआ, यहाँ पे सपोज करो ये इसके स्टेम है, इस स्टेम पे यहाँ पे लीफ आया, फिर यहाँ पे फ्लावर आए, यही फ्लावर मैंगो बन गया। अब ये मैंगो जो पहली बार फूटिंग होके बन के आई थी, अब क्या होगा ये यहाँ से आपने तोड़ दिया, तो इस पूरी प्लांट की डेट देखा आपने, इसका आर देखा, लेकिन पूरे प्लांट का सेलेक्शन नहीं हुआ, सेलेक्शन केवल इस टहनी की हुई है, ट्विक्स की हुई है। ट्विक्स का आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल सूखा फ्लावरिंग ट्विक रखा गया, वो नीचे गिर गया राइट। लेकिन यदि हम नेक्स्ट सेशन में देखोगे तो फिर से यहाँ पे किसी स्टेम के ऊपर क्या होगी, लीफ आएगा, लीफ फ्लावर बनाएंगे और यही फ्लावर पूरा का पूरा फिर से दूसरा फ्रूट बनाएगा। एग्जैक्टली वी आर गेटिंग सेकेंड टाइम फ्लावर, यस इट इज द फ्लावरिंग, सेकेंड फ्लावरिंग स्टेज, एंड द मैकेनिज्म इज कॉल्ड इंटर फ्लावरिंग पीरियड। अब क्वेश्चन आते हैं ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इंटर फ्लावरिंग पीरियड। यस ये जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड है ये रिकवरी फेज होती है। क्वेश्चन आता है क्या ये जुवेनाइल फेज हो सकती है, बिल्कुल नहीं, याद रखना ये जुवेनाइल फेज नहीं है, रैदर क्या हो सकता है अ पार्ट ऑफ
मैच्योरिटी जो मैच्योर स्टेज है उस मैच्योर स्टेज का ये पार्ट हो सकता है बट दिस इज नॉट अ जुवेनाइल स्टेज. व्हाई थिंक अबाउट दिस व्हाई इट इज नॉट अ जुवेनाइल स्टेज. क्योंकि अब सोचो पूरी प्लांट तो दोबारा नहीं बनी. प्लांट तो बन चुका है उसके ऊपर स्टेम्स है उसके ऊपर फिर से लीफ आई है. ध्यान दे लीफ आना मतलब लीफ के लिए जो भी चीजें है वो जनरेट करा अपने को रिज्यूविनेट करा तो ये रिकवर करी सारी भोजन को लेने के लिए. दैट्स व्हाई दिस इज द रिकवरी फेज. जुवेनाइल फेज नहीं बोल सकते. फिर देखो अभी जब हो जाएगी तो रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज इज द पार्ट ऑफ मैच्योरिटी स्टेज. बिल्कुल सही. That's why this is a part of maturity, not the juvenile stage. The question आ सकता है क्या ये interflowering जो period है ये annual के लिए हो सकता है? No, never. क्या ये biennial plants के लिए हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं. क्या ये perennial के लिए हो सकता है? Yes, ये perennial के लिए 100% हो सकता है क्योंकि एक flowering के बाद दूसरी flowering को आनी है. Is it clear? Got the point clear? Now, आइए अब देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल की चर्चा हुई है अपने एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं एंड दैट इज कॉल्ड नीला पुरंजी. क्या कुछ नाम याद आया आपको? नीला पुरंजी. यस ये श्रब है एक प्रकार का. श्रब आप समझते हैं झाड़ ही हुआ पौधे होते हैं इसकी राइट. जैसा कि आपके पास रोज है नहीं? तो आप देखें इसको समझे. वी आर टॉकिंग अबाउट नीला कुरंजी. ये जो नीला कुरंजी है ये नीला कुरंजी का जो बोटेनिकल नेम है जिसे एस्ट्रोविलेंसस कुंकियाना ठीक है एस्ट्रोविलेंसस कुंकियाना और ये स्ट्रोविलेंसस कुंकियाना यदि हम बात करें तो इसका नेचर चेक करते हैं. ये श्रब है बिल्कुल. मैं अभी मैंने बताया झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर. ये प्लांट जिसके मोनोकार्पिक है ये फ्लावर वन एक बार फ्लावरिंग होगी और ये फ्लावरिंग इसकी हर आप देखेंगे 12 इयर्स में वन एक बार होती है. इज इट क्लियर? सो दिस इज मोनोकार्पिक बट पेरेनियल प्लांट है ये और फ्लावरिंग कब होती है? 12 वर्ष में. एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है उसने क्वेश्चन लिखा कि लास्ट फ्लावरिंग कब हुई थी. लास्ट फ्लावर देखो भाई एनसीईआरटी ने तो लिखा है कि भाई ये सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था लेकिन अब ये लास्ट नहीं रह गया. क्यों? क्योंकि इसके बाद यदि आप जोड़ लो 12 ईयर तो कितने हो जाते हैं 2018 सितंबर और अक्टूबर में केरला का जो एनामलाई झील है वहां पे जब के ये फ्लावरिंग हुई थी. इसकी विशेषता होती है कि ये मैचिंग शो करता है. मैचिंग का मतलब होता है मास फ्लावरिंग होती है इसकी. इतनी ज्यादा फ्लावरिंग होगी कि पूरा का पूरा जो वो झील एरिया है वो उससे ढक जाएगा. बहुत सुंदर चुकी इसकी जो कलर्स होती है इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं राइट ना. इसलिए पूरा का पूरा जो हील सेशन है हीली एरिया है वो ब्लूइश हो जाता है. इसलिए तो नीला मीन्स ब्लू कुरंजी झाड़ीनुमा स्ट्रक्चर इसलिए इसका नाम ही रखा नीला कुरंजी. अब आप समझे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसका लोकेशन कहाँ है ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है. यदि आप लोकेशन की बात करें याद रखना के टी या हमने सिक्स के टी के स्टैंड फॉर कर्नाटका ओके के फॉर केरला एंड टी फॉर तमिलनाडु. तो तीन स्टेट में ऐसा देखा जाता है कि ये जम के ये फ्लावरिंग होती है इसकी और ये फ्लावरिंग जो होती है 12 इयर्स को होती है. प्लांट कैसा है? हर्बेशियस प्लांट है. कितने दिनों पे फ्लावरिंग होती है? 12 इयर्स पे. लास्ट फ्लावरिंग कब हुई थी? 2006 2018. अब यदि होना है यदि आप देखोगे तो फिर से ये स्ट्रेच करेगा
अट्रैक्ट करेगा किसको? टूरिस्ट को। क्या लगता है अब टूरिस्ट देखना चाहते हैं इसको तो कब देखेंगे? बिल्कुल सही बात है, बट के बाद फिर से आएगी वो कहानी। अब आप जोड़ दो, यदि आपने 12 इयर्स को ऐड कर दिया तो 2030 के सितंबर और अक्टूबर में हम और आप वहाँ काम कर सकते हैं, मिलेंगे। आप बताओ कि सर आपने पढ़ाया था, मैं आगे मिलने मैं भी रखूँगा आपको, एंड दिस विल बी अ वेरी गुड इवेंट to visualize the Neelakudambi in the hilly station, hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. So this is all about the Neelakudambi, and that Neelakudambi belongs to Akanthetti family. Akanthetti family, right? So we study today lifespan. So today we have studied only one topic of रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दैट इज लाइफ स्पैन। तो हमने देखा लाइफ स्पैन क्या है, कैसे शॉर्ट हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 15 एग्जाम्पल्स देखे हमने, देखे कैसे बायोलॉजिकल रिसाइकलिंग चलती है, कौन बॉडी मॉडल हो सकते हैं, कौन बॉडी इमॉडल हो सकते हैं। फिर आपने देखा फेजेस जेआरएस, कैसे जेआरएस साफ साफ दिखेगा, एनुअल बाइनियल और पेरेनियल में साफ साफ नहीं दिखेगा। फिर आपने देखा नीलाकुरंजी के बारे में, जो फ्लावरिंग होती है क्यूएलएस पे, ये मोनोकार्पिक पेरेनियल प्लांट्स है, एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज लाइफ स्पैन। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, फॉर दैट keep watching and like, subscribe this all things so that you can get benefits of this water botanica. Have a nice day. Thank you.